रामगंज जी के चाय की भेंट के दिन सात दूसरे के दरवाजा बंद हो जाता है, अगर मार खड़े तो मार ही ले जाते। और सीधा प्रश्न, हमारा क्षेत्र में कोई नहीं, हम नहीं जा सकते क्षेत्र में, सबको बिना पूछे यहाँ रहना है, बिना पूछे कोई सांसद जा नहीं सकता, ऐसी आज्ञा देती प्रधानमंत्री। ऐसी स्थिति में सारे एमपी सारे एमएलए ये समझ करके काम कर रहे हैं कि काम करना है, कोई पार्टी में नमस्कार करते हैं और अंदर से गड़बड़ करते हैं, और वो भी नहीं चलने वाला, एकदम चॉइस के काम चलने वाला है, क्योंकि सारे ही लोग सामने यहाँ तो मोदी जी आ गए, फिर योगी जी आ गए, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, उनके किसी प्रकार का परिवार नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार के धन का लोभ नहीं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी सत्ता में है और आने वाले दिनों में भी सत्ता में रहेगी, हमें इस बात का गर्व करना चाहिए। भाई पूछे केवल भाषण देने के लिए नहीं जाए, कार्यकर्ताओं से पूछे कि आपकी कोई समस्या है, ज्यादा हो कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हम दो रुपये चुनाव जीत भी रहे थे फिर भी रात में भाग रहे, हमारे अध्यक्ष जी का कॉन्फिडेंस, कार्यकर्ता के बिना कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती और भारतीय जनता पार्टी को।